एक बड़ी खूबसूरत बात बाइबल में से सीखेंगे, यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकरर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। जो कुछ मांगो किससे? बाप से मांगो, वो किसको दे? तुमको दे। लेकिन अगर हम बाप से कुछ मांगे और वो हमें ना दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो वो कुछ करने के लिए कह रहा है हम वो नहीं कर रहे, इस वजह से हमें नहीं मिल रहा। बाजुकात ऐसा होता है, अगर मैं किसी बच्चे की एग्जांपल दूं, इसको मैं कहूं कि बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दे, और ये अगर मुझे एक गिलास पानी नहीं पिलाता और ठीक 2 मिनट के बाद आके कहे पापा मुझे 10 रुपए चाहिए, मैं कहूंगा चल ना जा, 5 मिनट पहले मैं कैसे मैंने पानी पिला दे, तुमने पानी पिलाया, मतलब इसने मेरा काम नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा इसे सिखाने के लिए कि तूने मेरा काम नहीं किया लिहाजा मैं तेरा काम नहीं करूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा। अब यहां पर यीशु यहां पर हमें सिखाते हैं, कहते हैं कि पहली बात तो ये बात अपने पल्ले बांध लो कि अगर तुम मेरे पीछे चल रहे हो तो तुम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बाप ने तुम्हें बुलाया है और तुम उसकी मर्जी से मेरे पीछे चल रहे हो। किसकी मर्जी से? बाप की मर्जी से। हम मसीही घराने में पैदा हुए और हम मसीही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम मसीही हो तो एक मसीही का काम है कि वो जाकर फल लाए। क्या करे? फल लाए। फल लाने का मतलब होता है कि वो जाए और जो खुदावंद यीशु मसीह करने के लिए कहता है वो काम करे। अगर हम यीशु की मर्जी के मुताबिक वो काम करते हैं तो फिर हम फल ला रहे हैं। और फिर लिखा है जो तुम फल लाओ, जो काम करो वो काम कायम रहना चाहिए, फिर जब तुम अपने बाप से कुछ मांगोगे तो वो तुमको देगा। यानी कि इस आयत के अंदर एक शर्त है, और शर्त क्या है? पहले मेरा काम कर, फिर मैं तेरा काम करूंगा। अब बाजुकात हम लोग खुदा से गिला करते हैं कि मैं पिछले 1 हफ्ते से मांग रहा हूं, मैं पिछले 1 महीने से मांग रहा हूं, मुझे 2 साल हो गए मैं मांग रही हूं, औलाद नहीं है, या फिर मेरे पास ये वाली बरकत नहीं है, पैसे नहीं है, खुदावंद तू मुझे क्यों नहीं दे रहा? अब खुदावंद ने यहां पर इसका जवाब दे दिया। उसने कहा क्योंकि तू मेरा काम नहीं करता इसलिए मैं तेरा काम नहीं कर रहा। और ये बाइबल के अंदर दर्ज है, याकूब के खत में लिखा है जब तू मेरी तरफ आएगा तो मैं तेरी तरफ आऊंगा, तू मेरी तरफ कदम बढ़ा मैं तेरी तरफ कदम बढ़ाऊंगा। पुराने अहदनामे में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, तुम मेरी खेती सींच तो मैं तेरी खेती सींचूंगा, जब तू मेरा काम करेगा मैं तेरा काम करूंगा। हम कहते हैं हमने तेरा काम नहीं करना, लेकिन तेरी मेहरबानी तू साडा काम कर दे। लेकिन बस जगह ते मेहरबानियां काम कर जांदियां ने, लेकिन कई जगह ते मेहरबानियां काम नहीं करदियां। कसी कही जाइए मेहरबानी करते 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 और कहेगा जिन्ना मर्जी कही जा, मैं तेनू बड़े मौके दिते ने कि तू मेरा काम कर, लेकिन तू हर वरी मैनू रिजेक्ट किया है। मैं तेरे को खादम भेजे, मैं तेरे को अपने लोग भेजे कि तू काम कर, मेरे लिए तैयार हो, ते ज्यादा नहीं ते मैं एक सौखा जे काम सिखाना होना वा अक्सर कि असी घर दे विच एक छोटा जे मजबा तो ला सकते हैं ना, डेली फैमिली कट्ठी होके दुआ करे, ऐ तो मुश्किल नहीं ना। बाजू का तसी खुदा कह सकते हैं खुदावंद चर्च बहुत दूर है, खुदावंद मैं खिदमत ते मैदान ते खिदमत करने वास्ते पादरियां दे नाल नहीं जा सकता। ओके इट्स ओके, कोई गल नहीं, लेकिन कमो बेश तो अपनी फैमिली नू लेके घर च बैठ तो सकदे, इकट्ठे मिलके दुआ तो कर सकते हो। नहीं असि बड़े दवाई बाऊ मंगा लेने आ ना जाइए कहदा बाऊ मंगा लेने आ, लेकिन इत्थे लिखिया है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। अच्छा ए जिहड़ी चुनन दी गल है ना,
ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਾਹੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਧ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਪ ਕੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਆਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇ ਲਈ ਆ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਧੋ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੇਲੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ 6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਆਓ ਫਿਰ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ।